हाँ भाई, आपसे कह रहा डिटरमाइन द नंबर ऑफ फाइव कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ फाइव कार्ड हैज एग्जैक्टली वन किंग। ये बस क्वेश्चन नंबर 8 आपका मिसलेनियस से हो गया। हमें क्या करना है, हमें फाइव कार्ड्स लेने हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आपको फाइव कार्ड्स का कॉम्बिनेशन लेना है और आपके पास जो अवेलेबल हैं वो 52 हैं। लेकिन आपसे कह रहा है इफ ईच सिलेक्शन, अपने आप ही मेंशन कर रहा है सिलेक्शन ऑफ फाइव कार्ड्स हैज एग्जैक्टली वन किंग। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केस हो गया, कंडीशन हो गई कि मुझे एक तो किंग ही चाहिए। आप कोई बच्चा बताएगा किंग हमारे पास होते कितने हैं? फोर किंग होते, तो फोर में से वन चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा फोर में से वन का? फोर सी वन। हाँ भाई, सब बच्चे बताइए। यस सर। तो फोर सी वन हमारा आ जाएगा, चार में से एक लेना बेटे। लेकिन यहाँ कंडीशन उसने क्या कह दी, सब बच्चे थोड़ा सा इन्वॉल्व रहा कीजिए। उसने कंडीशन क्या कह दी कि एग्जैक्टली वन किंग चाहिए। वैसा भी नहीं होगा कि वन नहीं चाहिए, एटलीस्ट वन की बात नहीं कर रहा है, एटमोस्ट वन की बात। और ऐसा भी नहीं कह रहा कि एक से ज्यादा चाहिए। तो हमने चार में से एक ले लिया, अब जो तीन बचे उनको यूज करना है या नहीं करना है? नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। तो अलग कर दीजिए। हमारे पास टोटल कार्ड्स होते कितने हैं? 52 में से फोर क्या हो गए? माइनस हो गए, तो बचे कितने? 48। वेरी गुड। तो हमारे पास 48 अदर्स रह गए। अच्छा, आपको कार्ड्स लेने कितने थे? फाइव। और आपने अभी लिए कितने हैं? वन लिया है, तो बचे कितने? फोर। तो फोर अदर्स। तो बताओ 48 में से फोर लेने हैं तो क्या होगा? 48 सी फोर। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यही होगा, स्टेटमेंट लिख लेंगे सब बच्चे। यस सर। Selection of one king out of four is 4C1. Selection of four others out of remaining 48 is 48C4. So total 4C1 into 48C4. ये हमारे पास स्टेटमेंट, ठीक है जी।